क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की सीरीज का आज ये चौथा भाग है। जिसने इससे पहले के तीन भाग नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले, एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूट से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस एंड पटवारी और बंदी रक्षक जितने भी उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जिसमें उत्तराखंड जी के आती है 40 नंबर की, उसके कॉन्ट्रीब्यूट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, किस स्थिति को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था, किस स्थिति को कर दिया गया था, 9 नवंबर 2006 को, 1 फरवरी 2007 को, या 1 जनवरी 2007 को, किस स्थिति को कर दिया गया था, 1 जनवरी 2007 को कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, मंडल एक्ट के द्वारा की जाती है, या जनपद के जिला न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, जिला पंचायत के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा। अब मंडल के आयुक्त के द्वारा तो की नहीं जाएगी, ये किसके द्वारा की जाएगी, ये की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, तो उत्तराखंड के कितने नगरों नगर निगम में, 6 नगरों में नगर निगम है। अब शायद अपकमिंग में 8 नगर निगम और होने वाले हैं, जिसमें से 6+2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पर है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है, ये है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मसूरी को, नैनीताल को, या कोसानी को, या रानीखेत को, पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने राजमार्ग हैं, राज्य में कुल कितने राजमार्ग हैं, टोटल कितने राजमार्ग हैं, 14 राजमार्ग हैं। कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, कौन सा मंदिर है, बागनाथ है, तुंगनाथ है, कल्पेश्वरनाथ है, या केदारनाथ है, कौन सा है, केदारनाथ है। केदारनाथ किस जिले में पड़ता है, केदारनाथ पड़ता है रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ किन जिलों समूह में स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है, और कहाँ है, चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, सबसे ऊंचाई में कौन सा धाम है, बद्रीनाथ कहाँ पर है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम है, सॉरी बद्रीनाथ नहीं है, कौन सा है, केदारनाथ है, जो केदारनाथ कहाँ पर पड़ता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, विश्वनाथ है, या केदारनाथ है, या तुंगनाथ है, या मधमहेश्वर नाथ है, कौन सा है, तुंगनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ये रानीखेत को कहा जाता है, या चक्राता को कहा जाता है, या नैनीताल को, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसको कहा जाता है, पहाड़ों की रानी, रानीखेत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, द्वाराहाट था, या डोडीहाट था, या बाराहाट था, या यमकेश्वर था। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, उत्तराखंड का सॉरी उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, तो क्या था, बाड़ा हाट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव बिहार कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्य जीव विहार है, केदारनाथ वन्य जीव विहार है, या अस्कोट वन्य जीव विहार है, या सोना नदी वन्य जीव विहार है? तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? केदारनाथ वन्य जीव विहार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश में मुनि की रेती किस जिले में स्थित है? अब ऋषिकेश जो है हरिद्वार के अंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे हरिद्वार के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ तक किसके अंतर्गत है? यह आता है टिहरी के अंतर्गत, ठीक है, टिहरी के अंतर्गत आता है। तो मुनि की रेती कहाँ पर हो जाएगी? टिहरी में हो जाएगी, हरिद्वार में नहीं होगी, टिहरी में होगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना है? कितना हो जाएगा? 5.5 से 6.5 हो जाएगा। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? अब बताओ सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? धान, धान कहाँ पैदा होता है? धान मैदान, मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाकों दोनों दोनों में पैदा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में धान होता है मैदानी इलाकों में, ठीक है, और पहाड़ों में तो इतनी पानी की व्यवस्था होती नहीं है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? गेहूं पैदा होता है, धान पैदा होता है, मंडुआ प्लेन में पैदा नहीं होता है, ठीक है, आलू, आलू। तो 37 नंबर का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि मापने का पैमाना कौन सा है? तो कौन सा है? नाली और मुट्ठी, ठीक है, नाली और मुट्ठी। बीघा और विश्वा नहीं है, बीघा और विश्वा जो है ये प्लेन में नापा जाता है, इससे मैदानी इलाकों में, लेकिन जो पहाड़ में है नाली और मुट्ठी से मापा जाता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? इस क्वेश्चन को मैंने कल के भाग और परसों के भाग में भी कराया था, भाग दो और भाग तीन में भी कराया था। इसका आंसर बताओ, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? कितनी? 13% है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर है? उत्तराखंड में एक नाली 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या 1000, कितने वर्ग मीटर के बराबर है? 200 वर्ग मीटर के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? कौन सा दो वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? कौन सा है? धान, गेहूं, मंडुआ और पड़ती, क्योंकि मंडुआ और पड़ती जो है प्लेन में तो होती नहीं है, ठीक है। तो और उत्तराखंड का जो 80% भाग कौन सा है? वो है पर्वतीय, कौन सा है? पर्वतीय। तो पर्वतीय में ज़्यादा क्या होता है? मंडुआ और पड़ती ज़्यादा पैदा होता है। उत्तराखंड में भंगार क्या है? उत्तराखंड में भंगार है खाद्य संग्रह हेतु उपयोग में लाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात कहाँ पर किया जाता है? मंडुआ अनाज का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है जापान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती 1824 में शुरू कर दी गई थी, ठीक है, जिसका शुरू करने का योगदान किसको सर्वप्रथम जाता है? विस्पर हैपर को जाता है, ठीक है, विस्पर हैपर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल की खेती की जाने वाली दो फसलें कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा राज्य में क्या पैदा होता है? गेहूँ गन्ना पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर होगी? ऊधम सिंह नगर में, क्योंकि पूरा प्लेन एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? उन्नीस सौ 1951-54 में हुआ था, या 54-58 में, या 60-64 में, या 74-68 में? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ये कौन सा है? 1960 से 1964
64 में राज्य में पहला भूमि अधिग्रहण हुआ था। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की जाती है, किस शुरू की जाती है, बैला डोना की जाती है। ठीक है, बैला डोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निंग कृषि नीति कब जारी की गई थी। राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई थी 2001, 2008, 2010 या 2011 में। तो कब लागू की गई थी, राज्य में कृषि नीति 2011 में की गई थी। आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन कौन सा है, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पाद होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं, मालवरी भी होता है, ठीक है, मालवरी भी होता है, टसर भी होता है, मूंगा भी होता है, और तीन उपयुक्त नृत्य सभी होते हैं। तो आज टोटल कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये सीरीज एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सीरीज को देख रहा है, कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ ही दिनों में हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और उत्तराखंड में हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। कृपया हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।